Good afternoon, viewers. Today we are presenting with the case of non-Hodgkin's lymphoma. I'll just brief you about non-Hodgkin's lymphoma. It is originated from the lymphatic systems, which is a part of our immune system, WBC. Lymphocytes are the basic origin. Enlarged lymph nodes, fever, weight loss is the few presenting symptoms of non-Hodgkin's lymphoma. The patient named Shaukat Jalgaonkar came us with the diagnosis of non-Hodgkin's lymphoma. Let us hear from his wife what were the details of this case. Ji, bataiye. मेरे हस्बैंड का नाम शौकत उस्मान जलगांवकर है. मैं उनकी वाइफ शबनम जलगांवकर बोल रहे हैं. दुबई में वहाँ पे गिर गए थे. गिरने से उनको 8 दिन के बाद तकलीफ दर्द की शुरू महसूस होने लगी. उसके बाद उन्होंने दुबई में वहाँ पे डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने उनका MR किए. MR करने के बाद उन्हें मेडिसिन दे दिए, लेकिन फिर भी उससे उनकी तकलीफ कम नहीं हुई. उसके बाद वापस वो 15 दिन के बाद गए. 15 दिन के बाद वापस दूसरी मेडिसिन बदली करके दिए, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं आया. उसके ये बाद कब की बात है, ये कौन से साल की बात है? ये 2015 में. वो गिरने के बाद उनकी तकलीफें चालू हुई, आपने बोला. उनको क्या तकलीफ हो रही थी? उनको पीछे बैग में तकलीफ हो रही थी. आहिस्ता आहिस्ता पूरे पैर में तकलीफ होने लगी. पूरा पैर दर्द होने लगा. चलने की तकलीफ होने लगी. सही से चल भी नहीं पा रहे थे. फिर उसके बाद और एक वहाँ पे उनका दिसंबर में MR किए. वहाँ पे वो MR करने के बाद उधर के डॉक्टर ने फिर उन्हें इंडिया भेज दिए. इंडिया आने के बाद फिर हमने जो हमारी किडनी स्पेशल डॉक्टर है उनके पास उनकी ट्रीटमेंट चालू रहने की, वहाँ पे हम जाके उनसे मिले और हड्डी के डॉक्टर के पास. तो उन्होंने वो MRI की रिपोर्ट देखने के बाद बायोप्सी करने बोले. बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद पता चला उन्हें कैंसर का है. फिर कैंसर का रिपोर्ट आने के बाद वो डॉक्टर ने हमको कैंसर स्पेशल डॉक्टर के पास भेजे. ये पूरे दौरान में उनको तकलीफें क्या क्या थी? उनको शुगर की भी तकलीफ थी, क्रिएटिन की भी तकलीफ थी, और दर्द यानी बहुत दर्द की तकलीफ थी. और ये दर्द कहाँ पर होता था? पीछे बैग में और पूरे पैर में भी होता था. अच्छा, कहीं सूजन या ऐसा कुछ था? सूजन यानी अंदर से ही उनको सूजन थी. बायोप्सी की रिपोर्ट में वो भी दिखाया था कि अंदर उन्हें सूजन वगैरह है. हड्डी पूरी फ्रैक्चर थी, यानी पूरी हड्डी का ऐसे पाउडर टाइप में ये हो गया था. ये सब बताया डॉक्टर ने. ये इंडिया के जांच के बाद हुआ. उसके बाद फिर क्या किया? जांच होने के बाद बायोप्सी में जब समझा कि कैंसर है, उसके बाद में क्या किया? उसके बाद हमने फिर जो हमारे किडनी स्पेशल डॉक्टर है उन्होंने कैंसर स्पेशल डॉक्टर के पास भेजे. वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमारा पूरा केस देखने के बाद कीमो का बोले. कीमो 6 कीमो दिए उनको. 6 कीमो होने के बाद में फिर उनको 1 महीने का रेडिएशन दिए. रेडिएशन होने के बाद में भी उनकी तकलीफ कम नहीं थी. तकलीफ बहुत ही थी. चलने की भी तकलीफ हो रही थी. सही से चल भी नहीं पा रहे थे. और तकलीफ यानी बहुत रहती थी. कैसे चलते थे? सही से चल नहीं पाते थे, मतलब सही से यानी पैर उठाकर सीधे ऐसे नहीं डाल सकते थे. तो कैसे चलते थे? ऐसे थोड़े लंगड़ाते ही चलते थे. अच्छा, तो एक पैर का दर्द, एक कमर का दर्द, और क्या तकलीफों में था उनको? वो इससे वही यही तकलीफ उनको ज्यादा थी, यानी बहुत दर्द था. कीमो रेडिएशन के बाद में कैसे थे? कीमो रेडिएशन के बाद में भी उन्हें बहुत तकलीफ थी दर्द की. अच्छा, यानी बर्दाश्त के बाहर ही वो तकलीफ थी. फिर हमें हमारे एक रिलेटिव ने डॉक्टर आमिर अनवर का एड्रेस दिए. फिर उनके पास हम आए 2016 में. फिर उनसे हमने सब हमारे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए. वो दिखाने के बाद उन्होंने फिर हमको दवाई चालू की, अल्हम्दुलिल्लाह उस दवा से. जब आप डॉक्टर अनवर आमिर के पास 2016 में आए, तभी उनको तकलीफों में क्या क्या था? जब यहाँ आए आप जी, अनवर आमिर के पास? जी जी, उनको तकलीफों में पैर का दर्द वो तो पूरा ही था. कमर में दर्द था, शुगर थी, क्रिएटिन का था, BP का प्रॉब्लम था, ये सब उनको तकलीफें थी. तो जब आप यहाँ आए, तभी आप ऑलरेडी कीमो और रेडिएशन लेके आए? जी जी जी. उसके बाद से उनको कुछ फायदा? उसके बाद से उन्हें तकलीफ तो नहीं कम हुई थी, दर्द उनका उतना ही था. उससे कुछ उनको कम नहीं हुआ था दर्द में. फिर यहाँ आने के बाद, डॉक्टर अनवर आमिर के पास आने के बाद में क्या ट्रीटमेंट चालू किए? यहाँ आने के बाद उन्होंने सब रिपोर्ट्स देखने के बाद कैंसर पे भी उन्होंने उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिए. शुगर पे भी, क्रिएटिन, NBP पे भी,
सब इस पे उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किए। ट्रीटमेंट चालू होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ दूर होने लगी, चलने की भी जो मुश्किलात थे उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे चलते हैं और तकलीफ तो यानी बिल्कुल कम हो गई, अभी वैसे कुछ भी नहीं है। तकलीफ बिल्कुल कम हो गई मतलब क्या क्या चीजों की तकलीफ कम हो गई? उनका जो दर्द था वो पूरा कंप्लीट चला गया, चलने में अभी जैसे हर हमेशा अपन चलते है वैसे ही चलते है, अभी वैसा कुछ भी नहीं है। और कुछ अभी तकलीफ उनको? अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ भी नहीं तकलीफ। बीच में कुछ रिपोर्ट किए थे? हाँ बीच में रिपोर्ट्स किए थे। वो रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है? वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आए, उसके पहले भी एक रिपोर्ट किए थे वो भी रिपोर्ट नॉर्मल है, उससे और भी रिपोर्ट अच्छी नॉर्मल आई है, और अभी हमारी दवाई भी। रिपोर्ट्स में अभी बीच में आपने क्या क्या रिपोर्ट्स किए? क्रिएटिन किए थे, शुगर किए थे वो तो हमेशा का रहता है, और पेट स्कैन किए थे। तो वो कैसा है, पेट स्कैन के रिपोर्ट्स कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पेट स्कैन के रिपोर्ट। आप ये इन बिटवीन आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके मिले थे जो कैंसर डॉक्टर? जी मिले थे। उनका कहना क्या रहा? हाँ बहुत अच्छी रिपोर्ट है उनके पास, तो अभी हम 6-6 महीने के सिवा जाते नहीं है, 6 महीने के बाद ही वो बुलाते हैं, और उनसे भी हमने बताए थे कि ये ट्रीटमेंट है, उन्होंने भी बोले ये आपकी जो ट्रीटमेंट है वो चालू रखिए, उसको बंद मत कीजिए, वो जब जैसे बोलेंगे वैसे आप कर लीजिए। तो इवन ऑन्कोलॉजिस्ट का कहना रहा कि रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं। हाँ रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अभी दर्द उनका कम है, अच्छे से चलने लगे जी। क्रिएटिनिन में कितना फर्क लग रहा है उनको पहले और अभी में? अभी उनका 1.4 रहता है। और शुरू में आप जब आते थे तो क्या लेवल पे रहता? शुरू में 1.8 रहने का, कभी 1.7 रहने का। और डायबिटीज कैसा है अभी उनका? डायबिटीज भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम है। अच्छा, तो आपको डायबिटीज में क्रिएटिनिन और ये जो कैंसर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के वजह से उनको पीठ में और पैर में जो दर्द रहता था उसमें भी उनका आपको आराम लग रहा है? बिल्कुल आराम है, बिल्कुल आराम है। और पेट स्कैन के रिपोर्ट्स आपने ऑन्कोलॉजिस्ट को जाके दिखाए तो उनका भी कहना है कि अच्छे है। अच्छे है। और कीमो रेडिएशन होने के बाद वो तो कंपलसरी दवाई मेडिकल की पूरी बंद, सिर्फ सर की ही दवाई, आमिर अनवर सर की ही दवाई चालू है। और कोई पेन किलर और चालू है उनके? कुछ भी नहीं, पेन किलर वगैरह कुछ भी नहीं। उसके पहले यहाँ आने के पहले कितने पेन किलर होते थे? उसके पहले उनके पेन किलर गोलियां भी चालू थे, उसके पहले उन लोगों ने इंजेक्शन वगैरह भी पेन किलर दिए थे, लेकिन वो यहाँ की दवाई सर के पास की दवाई चालू करने के बाद पेन किलर वगैरह कुछ भी नहीं। बाकी भूख प्यास और बाकी सब सब अल्हम्दुलिल्लाह नींद वगैरह सब ठीक है। आज के तारीख में उनकी तकलीफें कैसी है? आज की तारीख में उनकी तकलीफें कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। शुक्रिया।